गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ कनेक्टर्स, तो आइए सीखते हैं। देखिए, पहला कनेक्टर है हमारा द सेम दैट। द सेम दैट का मतलब होता है वही और जो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हें कल मिलने आया था। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हें कल मिलने आया था। दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम पर्सन दैट केम टू सी यू यस्टरडे। यहाँ पर द सेम और दैट कनेक्टर का यूज हो रहा है। द सेम और दैट का क्या मतलब है? वही और जो। दिस इज द सेम पर्सन, यह वही व्यक्ति है जो दैट केम टू सी यू यस्टरडे। ठीक है, तो जब आपके सेंटेंस में वही और जो शब्द का यूज होगा तो आप द सेम दैट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द सेम एज। देखिए, ये दोनों देखने में थोड़े थोड़े एक जैसे लग रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। मैं बता देता हूं आपको। द सेम एज का मतलब है वैसा और जैसा, यानी कि एक जैसी दो चीजें जो दिखने में एक जैसी हो, दो व्यक्ति या दो वस्तु, तो हम द सेम एज का प्रयोग करते हैं। एक जैसी दिखने में दो वस्तुएं, यानी कि वस्तुएं अलग अलग हैं बट दिखने में एक जैसी हैं, तो हम द सेम एज का प्रयोग करते हैं। और इससे पहले हमने प्रयोग करा द सेम दैट का। यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। द सेम दैट वहां आएगा जहां दो अलग अलग जगह पर एक ही वस्तु की बात हो रही होगी या एक ही व्यक्ति की बात हो रही होगी। यानी कि वस्तु एक है लेकिन वो दो जगह है, और द सेम एज में वस्तु अलग अलग है या व्यक्ति भी अलग अलग है, जो दोनों अलग अलग जगह पर एक जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं द सेम एज का। यह उसी प्रकार का या फिर यह वैसा ही कपड़ा है जैसा कि दूसरा। अब यहां पर दो कपड़ों की बात हो रही है। मान लीजिए ये शर्ट है, ये ब्लू शर्ट है। अगर हम इसकी बात करें कि ये तो वैसी ही शर्ट है जैसी मैंने दुकान पे देखी थी, इसका मतलब क्या है कि ये वो शर्ट नहीं है लेकिन उसके जैसी है। तो जब कोई एक जैसी दिखने वाली वस्तु या व्यक्ति की बात हो रही होगी तो आप द सेम एज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही होगी जो अलग अलग जगह मौजूद है, तो आप द सेम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। यह उसी प्रकार का कपड़ा है जैसा कि दूसरा। दिस इज द सेम क्वालिटी ऑफ क्लोथ, दिस इज द सेम क्वालिटी ऑफ क्लॉथ एज द अदर्स। यानी कि यह वैसा ही कपड़ा है जैसा कि दूसरा, लेकिन दोनों कपड़े एक नहीं है, ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझ में आना चाहिए। द सेम दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति दो जगह अलग अलग जगह मौजूद है, कि भाई ये भी वही है, ये भी वही है। ठीक है, ये वही है जो वहां मिला या जो भी है। यानी कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए मेरे पास एक फ्रेंड आया और एक दो दिन पहले वो मुझे मिला था, तो मैं किसी को बता रहा हूं कि ये वही लड़का है जो हमें वहां मिला था, तो वहां जो मिला और जो मेरे पास आया वो एक ही व्यक्ति है, तो हम द सेम दैट का प्रयोग करेंगे। और द सेम एज का प्रयोग वहां करेंगे जब एक जैसी दिखने वाली दो चीजों की या दो वस्तुओं की बात हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टर हमारा एज और सो, यानी कि जैसा और वैसा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो, सो शैल यू रीप। यहां पर जैसा और वैसा इसका मीनिंग है। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, ये तो कहावत भी आपने सुनी होगी। ठीक है, एज मच एज, जितनी उतनी। एज मच एज, देखिए आपको पता होगा कि मच जो होता है, मच और मैनी में क्या डिफरेंस होता है। मच हमेशा अनकाउंटेबल होता है और मैनी हमेशा काउंटेबल होता है। तो हम उस तरीके से यूज करें यहाँ पे। मैं तुम्हारी इतनी सहायता करूंगा जितनी मैं कर सकता हूँ, यानी कि जितनी सहायता मैं कर सकता हूँ उतनी ही तो करूंगा, एज मच एज। तो सेंटेंस लेते हैं, आई विल गिव यू एज मच हेल्प एज आई कैन गिव यू। वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, I will give you as much help as I can। यहाँ पर आपको दोबारा से verb लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी same verb काम करेगी यहाँ पर भी। तो I will give you as much help as I can। Next sentence लेते हैं हम। Next connector है हमारा to। इस to का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका मतलब है इतना कि, जैसे कि for example, he is too weak। वह इतना निर्बल है।
कि चल नहीं सकता, टू वॉक। वह इतना निर्बल है कि चल नहीं सकता, टू टू इतना और की। यहाँ पर टू और टू का मतलब है इतना और की। He is too weak to walk. वह इतना निर्बल है कि चल नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट कनेक्टर देखते हैं, द और द, जितना उतना। द फास्टर यू गो द अर्लियर यू विल कम बैक। यहाँ पर द और द का यूज जितना और उतना के लिए यूज हुआ है। जितना तेज तुम जाओगे उतना जल्दी वापिस आओगे, या जितना जल्दी तुम जाओगे, जितना फास्ट तुम जाओगे इतना जल्दी आप वापस आओगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होता है, जब भी हम द और द का यूज करते हैं तो उसके बाद हमें कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि तीन डिग्री होती है, आपको पता होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी आप द और द का यूज करें तो आपको उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, यानी कि ER वाली डिग्री का प्रयोग करना है। द फास्टर यू गो द अर्लियर यू विल कम बैक। नेक्स्ट कनेक्टर देखते हैं, रैदर देन। रैदर देन का मतलब क्या होता है, जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं तो हम रैदर देन का यूज करते हैं, और उसका मतलब था की अपेक्षा। जैसे कि आई वुड रैदर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। आई वुड रैदर डाई देन बैग। ओके, नेक्स्ट कनेक्टर हमारा है नो सुनर देन। नो सुनर देन का मतलब था ज्यों ही और त्यों ही, यानी कि जैसे ही वैसे। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, जो ही वह स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल पड़ी, यानी कि जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल पड़ी। नो सुनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। एक बात का आपको ध्यान रखना है, नो सुनर के बाद आप जिस भी टेंस में टेंस को बना रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। नो सुनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो आई होप आपको ये कनेक्टर समझ आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है या फील करते हैं आप, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।